भाई राजस्थान में एंटर करने के बाद थोड़ा सा ध्यान से ही चलाना। पहली बार चला रहे पांडे जी तो X7 ये राजस्थान में 108.54 रुपए लीटर पेट्रोल। खींच दो ये तुम चले। सुबह सुबह भैया फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट और साथ में बादाम अखरोट। टाइम हो गया है भैया 8:15 और पांडे जी अभी तक पहुंचे नहीं है। मैंने कहा था ना 9-10 बजे ही पहुंचेंगे, देख लेना। यहाँ पर आज फाइनली हम निकल रहे हैं क्योंकि ट्रिप के लिए। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 19 है या 20 है, संडे है ना, तो हाँ 19 ही होगा, 19 सितंबर 2022 में। वो भी गुड़गांव में। पहले मैं ये खाऊं फटाफट से, बैग अपने पैक किया लास्ट वाले ब्लॉग में, आपने देख लिया होगा। बैग वैग सारा कुछ गाड़ी में सेट करेंगे, BMW X7 में लेकर जा रहे हैं हम। लॉन्ग ट्रिप होने वाली है, मतलब दिन वाइज नहीं, डिस्टेंस वाइज लॉन्ग होने वाली है। जा वैसे 2-3 दिन के ले रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे वेडनेसडे थर्सडे तक। जा कहाँ रहे वो भी बताता हूँ, मतलब खा लूँ। चलो जी चलो, सामान वगैरह रखे। पांडे जी तो बहुत लेट कर रहे हैं, 8:30 से बात, 8:15 से बात हुई पड़ी है, अभी 10 बज रहे हैं, बताओ अभी तक आई नहीं यहाँ पर। तो एक ही बैग है, डिक्की में आराम से आ जाएगा। पहले ये सामान निकाल दूँ जो फालतू पड़ा है यहाँ, क्योंकि हम दो ही लोग जा रहे हैं। तो ऐसा करता हूँ सीट्स भी नीचे कर देता हूँ ना। लेट्स गो भैया, अपना तो आराम से आ गया। ये लो, और ये जो लैपटॉप वाला बैग है ये तो सेकंड रो में रखूंगा यहाँ पर। बाकी चार्जर वार्जर भी रख देता हूँ भाई आगे, चाबी भी रख देते हैं, पार्ट्स भी रख देते हैं। और कल से मैं अपनी टियागो की चाबी ढूंढ रहा था, X7 के अंदर पड़ी थी। बाकी आप सोच रहे होंगे दो ही बंदे जा रहे हैं तो भैया X7 ले जाने की जरूरत क्या है। तो असल में चूल्हा है इसके पीछे का रीजन, कि नई गाड़ी है तो मन कर रहा है इसी को ले जाओ। इतनी लंबी राइड है, 400-500 किलोमीटर की ड्राइव है, सॉरी राइड नहीं। तो मैंने सोचा X7 में जाएंगे, कंफर्टेबल होके मस्त एकदम। और नीचे भी आ गए हैं लोग, 10 बजे का टाइम है तो आना शुरू हो चुके हैं लोग, मतलब अपने ऑफिस में सारे जो काम करते हैं। ये मिल गई चाबी टियागो की, BMW में थी। BMW में ये वाली नहीं, एक ही दे दो बस, ये वाली भर दो, दो क्या करनी। चलो दो फिर, दोनों दे दो। और खाने में क्या, परांठे या कौन सी दाल वाले। फोन कर अभी मैंने, आधा घंटा और लगेगा, उससे अच्छा भाई सो ही जाता, नींद पूरी नहीं हुई। 8 बजे का उठा हूँ, मतलब सोया था कितने बजे, 3:30 सोया था और 8 बजे उठ गया। अब सोते हैं, थोड़ी देर रेस्ट मार लेते हैं, भूख लग रही थी। मैंने सोचा चलो एक परांठा यहीं खा लेते हैं। इतने नीचे चलते हैं भाई, जरा एक थंबनेल रेडी करवाना है, अपनी फर्स्ट पॉडकास्ट लॉन्च होने वाली है। तब तक आप ये व्लॉग देखोगे अपने फाइनेंस चैनल पे, जिसका नाम है मेक मनी विद अनमोल जायसवाल। एक फेक चैनल भी बना हुआ है उस नाम से, तो वो मत देखना, आप दूसरा चैनल देखना जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले चल के थंबनेल बनवा। चलो जी चलो, आ गए, डालो फटाफट। बैग कितने हैं तुम्हारे, डब्बा ये एक ही है। लेट आगे अंदर कर दो, बिल्कुल अंदर, और अंदर कर दो, अंदर अंदर पूरा अंदर। हाँ बस क्या करूँगी इसमें, लेट नहीं करूँ मैं। हाँ क्या बोला, जब तुमसे लास्ट टाइम बात हुई थी क्या बोला उन्होंने, ब्रांड ने क्या बोला। अरे तो लिफ्ट तो दो। चलो चलो चलो, टाइम पास मत करो, बहुत लेट हो रहे हैं। बैग डाल दो आगे वाली सीट पे, लैपटॉप वाला है ना उस वाली पे रख दो, बस बंद कर दूं ना, हो गया। चलो जी इतना ही सामान है, वीडियो तो एडिट हो चुकी है, बस थंबनेल पे काम चल रहा है। एक बार डिजाइन रेडी हो जाए तो बाकी सारे थंबनेल में फिर सेम ही रहेगा कुछ इस तरह का। और आपको बताइए पहली पॉडकास्ट सतीश भाई के साथ थी। पानी और खाना दोनों आ गया है, लाओ सारे। वो कपड़े के, मुझे लग रहा है वो लग जाते हैं धागे धागे से। ये क्या गिर गया भैया सीट पे, बड़ी जल्दी गंदी हो जाती है। लेट्स गो भाई, लोग निकलते हैं जल्दी जल्दी, देर नहीं करनी बिल्कुल भी। तो भाई साहब घर से हम टोटल 200 किलोमीटर चल चुके हैं और पहुंच गए हैं जयपुर। जाना जहां पर है हमें वो है यहाँ से अभी भी 4.5 घंटे की ड्राइव, 274 किलोमीटर, मतलब जितना आया है उससे भी ज्यादा अभी और चलना है। तो वही शाम को 6:30-7 बजे तक पहुंचेंगे घर पे। मम्मी ने परांठे दिए थे, ये खा रहे हैं। तुम्हें क्या खाना है, खा लो यार, यही खा लो। ये जयपुर ही चल रहा है मेरे ख्याल से, 1-2 किलोमीटर होगा मेन सिटी। हाँ बाईपास बार बार ही जा रहे हैं। लो जी एक ढाबा दिखा है यहाँ पे, थोड़ा सुसु करते हैं और कुछ खाना होगा, मैंने तो परांठे ही खाने हैं। तुम्हें क्या खाना है, ठीक है जी। चलो जी चलो फटाफट, ज्यादा कुछ होगा नहीं वैसे, यहाँ चाय वाय मिलेगी, बस टैंक खाली हो जाए पेट का, मस्त। गाड़ी देखो भाई सब क्या लग रही है अपनी, ओए होए होए होए, इतनी लंबी गाड़ी है ना, वीडियो में पता नहीं चलता। और यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं, पैटीज क्रीम रोल यही सब है, सैंडविच वगैरह। क्या ले रहे हो, पैटीज ले लो बहुत है। लैपटॉप लेना, अच्छा यहाँ कहाँ लगेगा। चलो कुछ पीते है, ये पीते है मैंगो भाई। बाहर हो रही है खतरनाक वाली धूप और गर्मी, तो हमने सोचा गाड़ी में ही बैठ के ये तो ले लिया पानी वानी, अपना मस्त परांठे खाएंगे। सच में भाई बहुत गर्मी है, गाड़ी में बैठे थे ना, गाड़ी में फील नहीं हो रहा था, लेकिन बाहर निकलते ही बैंड बज गई। टोटल रास्ता जो है वो 221 किलोमीटर बचे है, 3.5 घंटे और लगेंगे। भाई साहब इन काम माता को हमने वो दिया सेब और वो, अब ये भाई साहब जा ही नहीं थी, डर लग रहा है शीशे पे ही ना सींग मार देंगे, टूट जाएगा शीशा।
अरे 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 जाओ चलो खुश चलो 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 बाय बाय। खिला दिया जो जो था हमारे पास, एक सेब बचा हुआ था, एक नाशपाती बची हुई थी, मैंने कहा हमने तो खाना ही सड़ जाएगा, उस अच्छा खिला दो। चलो गई गई गई, शुक्र है भैया गए, बाय बाय। अरे इधर से ना जाए, ओ भाई जाओ भाई जाओ 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 चलो चलो जी चलो। चल रहे हो गए लैपटॉप चार्ज। चलो भाई खाना वाना हो गया है मस्त, घर के परांठे और अचार के साथ, दाल के परांठे थे। हम निकलते हैं यहाँ से, बचा कुचा रास्ता, दाल और प्याज के परांठे, पता ही नहीं चला आलू प्याज है। चलो तीन, अभी 3.5 घंटे दिखा रहा है, पर हम 3 घंटे में मेरे ख्याल पहुंच जाएंगे, तो निकलते हैं अब फुल स्पीड में। बाकी भाई राजस्थान में एंटर करने के बाद थोड़ा सा ध्यान से ही चलाना, क्योंकि यहाँ पर हाईवे पे कहीं से भी गाय बैल निकल के आ जाती है। ये जैसे बीच में जो डिवाइडर है इस पे भी घास उगी हुई है ना, तो गांव वाले क्या कहते हैं, अपने गायें यहीं रोड पे छोड़ देते हैं कि चढ़ते रहो यहाँ से या वहां से, तो एकदम से भाई उनको तो पता नहीं चलता जानवरों को, वो अचानक से रोड के बीच में हाईवे में आ जाते हैं। अभी इस हाईवे पे नॉर्मल स्पीड भैया 90-100 की तो चलती है, अब 90-100 की स्पीड में आप एकदम से ब्रेक लगा नहीं पाओगे। एडास है वो अलग बात है, उसमें ही पूरी रुकती नहीं है, जैसे अपनी भी गाड़ी है तो एडास ब्रेकिंग है इसमें, बट पूरी नहीं लगती, थोड़ी सी रुकेगी, तो उसमें ना थोड़ा रिस्क हो जाता है। अपना पूरा ध्यान देकर रोड पे चलाओ, लेफ्ट राइट देखते हुए कि कोई गाय वाय तो नहीं खड़ी, और खड़ी है तो पहले ही स्लो कर लो, क्योंकि उनके आने के चांसेस ना आपको भी नहीं पता भैया, भगवान जाने कब वो एकदम से रोड के बीच में आ जाए, तो सेफ्टी उसी में है सबसे बढ़िया। यार मुझे अब हल्की हल्की नींद आनी शुरू हो रही है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई हमारी, पूरी है ना नींद। चलो चलाओ फटाफट चलाओ, मैं यहाँ पे बैठूंगा, यहाँ बैठते ही देखना मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी जैसे चक्कर वाला सीन हो जाता है, बट नींद में ड्राइव करना सेफ नहीं है, इसलिए मैं आई गया यहाँ पर। कोई नहीं, मोशन सिकनेस झूल लेंगे थोड़ी बहुत। पहली बार चला रहे पांडे जी तो X7, ये मोटी पार्टी टाइटल मिल गया। चलो बस गाय को देखते चलना भाई साहब। पैसेंजर सीट में बैठने का मजा तो है, वहाँ कंफर्ट, और आगे से ज्यादा पीछे वाली ज्यादा कंफर्टेबल है, बट पीछे नहीं बैठना, मैं आगे ही सही हूँ। ज्यादा देर का रास्ता नहीं है, 3 घंटे ही बचे है बस। कितना कोटा भैया यहाँ से? 65 65 किलोमीटर बचा हुआ भाई, और पेट्रोल गाड़ी में खत्म हो गया था, तो यहाँ से भरवा रही है। राजस्थान में 108.54 रुपए लीटर पेट्रोल, 109 रुपए भाई साहब, गजब। डीजल कितना रेट है? 93 रुपए, हाँ वही 94 के आसपास हो गया भाई, बहुत महंगा है यहाँ पे, तो ज्यादा नहीं भरवाएंगे अपना इस ट्रिप में। मेरे ख्याल एक ये फुल टैंक होगा 80 लीटर का, काम चल जाएगा। तो भाई 79.78 लीटर आया है 8600 रुपीज़ का। वैसे टैंक तो यार 80 लीटर का है, बट ऑब्वियसली आपको पता ही है 4-5 लीटर ऊपर ही आ जाता है, और हमारा भी पूरा फ्यूल खत्म ही होने वाला था, तो ठीक है, मतलब हो सकता है 1-2 लीटर का घपला भी हो, बट हमें क्या पता। और सच अभी तो आपको पता चल ही गया होगा, हम जा रहे हैं भैया कोटा राजस्थान में, और वहाँ पर है एक इवेंट आज नहीं कल। देखो भाई ये देखो, ऐसे होते हैं भाई एक्सीडेंट, बिल्कुल रोड पे आ जाते हैं, और एक नहीं बहुत सारी गायें हैं रस्ते में, हमें 500-600 गायें दिख गई होगी, भैंस गायें बकरी भेड़ सब राजस्थान में ही है मेरे को लग रहा है, और वो भी हाईवे पे, कोई अता पता और नहीं है इनका। हाँ तो कल एक इवेंट है, वो इवेंट अभिषेक के जो बड़े भाई है उन्होंने ही रखवाया, तो इसलिए वो अटेंड करने जा रहे हैं, और उसके बाद परसों यानी कि कितने 20 का इवेंट है ना, 21 को हम वापसी निकल जाएंगे। देखते हैं कल टाइम मिलेगा तो कोटा घूम लेंगे, आज तो बचेगा नहीं टाइम, 6:30-7 बजे पहुंचेंगे, तो कल ही होगा जो होगा, घूमना फिरना इधर उधर, एक डैम बताया कोई, देखेंगे ट्राई करेंगे आज हो जाएगा ठीक है, वरना कल सही। भाई साहब ये कौन सी लेक आई है, पानी तो बड़ा साफ सा लग रहा है, देखना नीला नीला शाइन मार रहा है, और कोटा आने वाला है, बस 45 किलोमीटर रह गया। आप बताना किसी को पता हो ये वाली लेक के बारे में अगर। ये है अजमेर कोटा रोड, एंड काफी जल्दी पहुंच गए भाई, हमने रास्ता कवर कर लिया। ड्राइवर अच्छा था ना? मैं था उससे पहले, मैं सुबह जब हम निकले थे दिखा रहा था 7 बजे पहुंचेंगे, और अभी अराइवल आप देख सकते हो 6:08 का दिखा रहा है, जबकि हम बीच में रुके भी है 10-15 आधा घंटा। हाँ यहाँ भी देखो भाई हाईवे का काम चल रहा है, तो रोंग साइड में आ रहे हैं लोग, थोड़ा सेफ्टी से दिन में अच्छा हुआ, रात में बड़ी दिक्कत होती है हेडलाइट की वजह से। यहाँ पे भाई देखो ये पानी वानी दे रहे हैं जमीन पे, ताकि जो मिट्टी है ना वो ज्यादा ना उड़े, आपको पता ही है राजस्थान में कितनी मिट्टी है, तो इसलिए रोडों पे पानी डाला जा रहा है इस तरह से, ताकि मिट्टी थोड़ी दबजे और ज्यादा उड़े ना धूल। हर जगह वही भाई सिंगल लेन उससे जाना पड़ रहा है, सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है, इधर से भी, उधर के हाईवे शायद बन रहे होंगे, इसलिए खींच दो ये मचाले। लो जी कोटा में एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड आ गया है बड़ा बड़ा, तो अब जो है भाई मेन कोटा सिटी शुरू हुई है, वहां से भी कुछ 9-10 किलोमीटर और आगे आकर वो गांव वाला एरिया था, ये प्रॉपर देखो भाई अपना सिटी वाला एरिया आ गया, काफी होटल्स है और जितने भी वो इंस्टीट्यूट वगैरह खुले हैं, अन अकेडमी हो, हाँ फेमस है एलन है यहाँ पर एक, तो अच्छा ये तो हाँ बोर्ड लगे है ना, चाचा भी इंस्टीट्यूट मिलेंगे भर भर। यस यस यू आर राइट, अब तो फिजिक्स वाला का भी खुल चुका है यहाँ पर। क्या कह रहे हो, पॉडकास्ट के लिए आए हम यहाँ पे? ओह माय गॉड, तो कल का व्लॉग देखना फिर तो। यहाँ पर देखो भाई सब ये सारी बिल्डिंग है सेम सी है, इधर भी
लेफ्ट राइट हाँ बोर्ड भी देखो वो वाले हैं सेम ही है सबके लगभग। ओ ये मेरे को लग रहा है जैसे अमृतसर में हेरिटेज कर रखा है ना आसपास के एरिया को वैसे यहाँ भी बना रखा है। मेन चौक तो मुझे लग रहा है मेन चौक ही है यहाँ हो सकता है क्योंकि कोटा में एंटर हो चुका है ये देखो। और ये किन की है अपना वो है ना ये स्वामी विवेकानंद है ना विवेकानंद जी उनकी है ऐसा बना तो हुआ है रंग का कुछ तो हेरिटेज साइट लग रही है ऐसा पूरा। जाम तो भैया पूरे इंडिया में ही बसने लग गया देखना दो दो किलोमीटर के लिए 20-20 मिनट ऐसे जाम में खड़े रहो भाई सब काफी सारी मूर्तियां बना रखी हैं यहाँ पे देखना। ट्रैफिक का तो सही में बुरा हाल है इस रोड पे नहीं है उधर था। होटल पहुंचने से पहले सोचा कुछ कर लेते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे भाई मोमोज लिए है फ्रोजन मोमोज को माइक्रोवेव में गर्म करके देते है वो स्टीम वाला यहाँ नहीं होता पतीला होता ही नहीं क्या वो स्टीम वाला होता है नहीं नहीं वैसे वो जो होते हैं पतीले से रखे होते हैं वो भी अच्छा होते होंगे हाँ है नहीं यहाँ पे तो अभी एक प्लेट मोमोज खा रहे हैं बाकी एक सैंडविच करवाए चीज वाला। और ये जो एरिया है इसका नाम है विज्ञान नगर सारे इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है पीछे ही पास ही है मतलब ये देखो भाई कुछ इस तरह के मोमोज अब टेस्ट पता चलेगा। चटनी कौन सी बनाते हो लाल वाली ये लो जी आ गए हैं मोमोज 6 पीस। यार फाइनली पहुंच चुके हैं रिजॉर्ट में यहीं पर कल वो इवेंट होने वाला है। उधर देखो स्विमिंग पूल भी है बट वो थोड़ा गंदा पड़ा है प्लस अब हम लेट हो रहे हैं कोई बात नहीं आज नहीं कल देखेंगे कुछ डुबकी लगाने का अगर टाइम बचेगा तो इवेंट के बाद। बाकी पूरा मंडप वंडप सब सजा हुआ है यहाँ तो शादी वादी करवानी होगा। ये सारी तैयारी कल के इवेंट के लिए हो रही है यहाँ पर खाना लगेगा ये पूरा सेट है जहाँ पर होने वाला है मेन इवेंट। कुर्सियाँ उर्सियाँ बिक चुकी है सब कुछ सुबह ही होगा 9 बजे से लेके कितने बजे तक पता नहीं। अभी फिलहाल भाई कोटा के रेलवे स्टेशन आए हैं तो जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं दिल्ली से तो उनको हम पिक करते हुए फिर होटल जाएंगे। इतने मुझे काम करना था एंड लैपटॉप की बैटरी डन तो अभी Type-C to Type-C वाला पोर्ट था BMW में लगाया है लेट्स होप कि भैया चार्ज हो जाए थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाए। देखो हो नहीं रहा अगर हो गया स्टार्ट तो मजा आ जाएगा क्योंकि मुझे एक अर्जेंट वीडियो लाइव करनी है। चलो ठीक है कोई नहीं नींद आ रही है बहुत तेज। ओ भाई हो गया स्टार्ट हो गया ये देखो चार्ज होने लग गया। चलो चार्ज ना भी हो भाई डायरेक्ट पावर मिल जाए फोन हो गया बस मेरा काम हो जाएगा। भाई मुझे नहीं पता था कोटा में भी इतने जानने वाले लोग हैं 6-7 लोग मिल चुके अभी दो भाई फिर से मिल गए। क्या नाम है आपका? दिपेश नाम है भाई। आपका? दोनों ही कोटा से ही हो? हाँ, दोनों कोटा से ये इधर पास में ही रहते हैं। हाँ। वो समय से ढूंढ रहे थे भाई को फाइनली जो है मिल गए। स्टोरी देखी इंस्टा वाली? हाँ, इंस्टा की भी स्टोरी देखी थी मैंने भी। चलो मैंने भी कहा कि चलो यार भाई को ढूंढ लेते हैं काफी समय से ढूंढ रहे थे हम आपको यार। ये अच्छा लगा मुझे रास्तों पर नहीं पढ़ना पीछे।